कुछ मतलब कंटिन्यूस सिलेक्ट होते हैं, कुछ बैच सिलेक्ट होते हैं, कुछ कन्वर्जन के होते हैं जिसमें कन्वर्जन वगैरह हो रही होती है। तो ये देखना होता है कि हमने किस वक्त कौन सा रिएक्टर यूज करना है। तो इसके लिए ना जो सब्जेक्ट है ना केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, उसका पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं। तो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में सारे रिएक्टर डिजाइन्स वगैरह पढ़ाते हैं और रिएक्टर्स के टाइप्स वगैरह पढ़ाते हैं, कौन कौन से रिएक्टर्स होते हैं, किस मकसद के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। तो अब जो S1+ और HYSYS में होते हैं, इसमें ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब जो होती है एक टाइप, वो काफी ज्यादा रिएक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है रियल वर्ल्ड के, ठीक है ना। तो अगर मैं इधर दिखा दूं, अभी तो ये रिएक्टर्स का टैब है, रिएक्टर्स है, ये डिफरेंट रिएक्टर्स हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है ना। अब ये होता है कि अब हमने रिएक्टर कौन सा यूज करना है, इस पर हमारे डिपेंड करता है कि हमारे पास डाटा भी कौन सा अवेलेबल है, कि हमारे पास किस टाइप का डाटा अवेलेबल है। तो उस टाइप का हम रिएक्टर लगा देते हैं कि अगर हमारे पास स्टाइकोमेट्रिक, अगर हमारे पास कन्वर्जन है रिएक्शन की, अगर हमारे पास कन्वर्जन गिवन है कि इतना रिएक्टेंट इतने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम ये आर स्टाइको ये वाला रिएक्शन लगा रिएक्टर लगाते हैं। अगर हमें यील्ड पता है, यील्ड से मुराद है कि इतना वो कंपोनेंट बन रहा है, अगर हम इतनी फीड एंटर कर रहे हैं तो वो इतना कंपोनेंट बन रहा है, हमें उसकी प्रोडक्ट का पता है, तो हम ये वाला रिएक्टर लगाते हैं और उसको डिफाइन करते हैं जो डाटा हमारे पास गिवन होता है। अगर हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस वगैरह पता है या केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं उसमें वो इक्विलिब्रियम बेस्ड है, तो हम ये आर इक्विल या इक्विलिब्रियम रिएक्शन लगाते हैं। अगर हमारे पास क्या होता है कि गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम भी मौजूद है और गिब्स फ्री एनर्जी का डाटा भी मौजूद है, तो हम ये गिब्स वाला लगाते हैं। अगर हमारे पास कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा है या स्टेट टैंक रिएक्टर है या जिस ऐसा रिएक्टर है उसमें मिक्सिंग भी हो रही है और रिएक्शन भी हो रहा है, तो हम ये CSTR लगाते हैं। प्लग फ्लो रिएक्टर ये इसकी टाइप है, प्लग फ्लो की अलग टाइप होती है, कि जो ट्यूबलर रिएक्टर होता है ये उसकी टाइप में आता है। अगर हमारे पास कोई बैच प्रोसेस हो रहा है तो उसमें ये बैच रिएक्टर लगाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अब एक रिएक्टर जो होता है वो काफी ज्यादा हो सकता है काफी ज्यादा रिएक्टर्स को रिप्रेजेंट करे रियल वर्ल्ड के, कि हम एक ही रिएक्टर से काफी ज्यादा वो कर लें, सिमुलेट कर लें। अच्छा, जो अब HYSYS में भी दिखा दूं, HYSYS में भी तकरीबन ऐसे ही है रिएक्टर। इसमें ये होता है कि इसमें थोड़े कम है, उधर थोड़े ज्यादा है, उसमें उधर ना अलग अलग करके दिखा देते हैं कि कन्वर्जन का ऐसे है, इसका ऐसे है। मैं दिखा देता हूँ ट्रेंड्स। तो रिएक्टर्स होता है थोड़ा ना, ये जैसे हार्ट होती केमिकल इंडस्ट्री होता है, कि दिल होता है केमिकल इंडस्ट्री का। तो क्योंकि रिएक्शन इसके अंदर हो रहा था, क्योंकि इससे जो पहले प्रोसेस होते हैं वो सेपरेशन के होते हैं, प्री सेपरेशन के प्रोसेस होते हैं, और जो इसके बाद होते हैं जब हमारे प्रोडक्ट बन जाती है वो पोस्ट सेपरेशन के होते हैं, कि उसमें भी सेपरेशन हो रही होती है। तो तकरीबन 90% तो सेपरेशन हो रही होती है, हम रॉ मटेरियल को प्योरीफाई करते हैं फिर रिएक्टर में एंटर करते हैं, और जब हमारे प्रोडक्ट बन जाती है तो वो सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनती, डबल बन जाती है, बाय प्रोडक्ट्स भी होती हैं, तो उनको सेपरेट आउट करके अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को जब लेना होता है तो रिएक्टर के बाद भी सारे सेपरेशन के प्रोसेस होते हैं। तो ये होता है कि एक रिएक्टर होता है जिसमें रिएक्शन हो रहा था, बाकी जो होते हैं वो जिनमें सेपरेशन हो रही होती है। अच्छा, इधर कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा पहले, लेकिन तो इस तरह से, इसी वजह से ये हार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें ये थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कि इसमें किस टाइप का रिएक्शन हो, इसके वो टेम्परेचर प्रेशर को कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि इसी पर तो सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी हमारी प्रोडक्ट बनेगी या कितनी बाय प्रोडक्ट बनेगी, कितना वेस्ट निकलेगा। तो इसके लिए तकरीबन हम काफी कैलकुलेशन करते हैं, काफी तो नहीं, खैर मतलब नॉर्मल करते हैं, लेकिन देख कर करते हैं कि कैसे हमने करनी है। अच्छा, इधर आएंगे रिएक्टर्स के, ये इसका रिएक्टर्स का टैब है। अभी तो इधर दिखने में काफी ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन अब जैसे कि ये CSTR है जो यहाँ पर, ये वाला था CSTR, ठीक है ना, कि मिक्सिंग भी हो रही है और रिएक्शन भी हो रहा है। ये प्लग फ्लो है, ट्यूबलर रिएक्टर है, ये कन्वर्जन का, कन्वर्जन का जो यहाँ पर स्ट्राइक हुई ये वाला, ठीक है ना, कि अगर हमें कन्वर्जन पता है तो हम ये वाला यूज कर लेंगे, अगर हमें उसका इक्विलिब्रियम पता है, इक्विलिब्रियम का ये गिब्स फ्री एनर्जी का पता है, ये गिब्स रिएक्टर लगा देंगे। यानी कि ये डिफरेंट जितने भी है ना रिएक्टर्स वगैरह, इनका ये होता है कि अगर जिस टाइप का हमें डाटा पता है ना, हम उस टाइप का रिएक्टर लगाते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम जो होती है सोल्व कर लेते हैं। इसी तरह से अगर हम ये न्यूट्रलाइजर, इसमें चूंकि HYSYS है तो इसमें ये थोड़ी और ऑप्शन है कि न्यूट्रलाइजर या
एच एफ अल्कलेशन के लिए अलग है, ये हाइड्रोफ्लोराइड एसिड के लिए, एच टू एस ओ फोर के लिए अल्कलेशन के लिए अलग है, यानी कि स्पेसिफिक भी बनाए हुए हैं प्रोसेस की टाइप के लिहाज से ना। इधर जो एस वन प्लस में ये जनरल है सारे, और एस वन एस में भी जनरल है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक भी बनाए हुए स्पेसिफिक उनके लिए क्या कहते हैं प्रोसेसेस के लिए। अब होता यह है कि जैसे कि अगर एच एफ अल्कलेशन है ना, ये एच एफ अल्कलेशन अब ये लग नहीं रहा शायद, अच्छा इसमें तो लाइसेंस का एक मिनट, अच्छा ये लग रहे हैं बाकी नहीं लग रहे। ये होता कि अब जो जो रियल वर्ल्ड में होते हैं ना ये वाले जो स्पेसिफिक इसने बनाए हुए ना, ये होता कि रियल वर्ल्ड में दो तीन इक्विपमेंट लगाते हैं, तो यानी कि रियल वर्ल्ड में एक ही इक्विपमेंट है, लेकिन यहाँ पर हमें ना दो तीन उसको लगाने पड़ते हैं इक्विपमेंट, फिर ये पूरा प्रोसेस ना एक रिएक्टर के तौर पर डिफाइन करते हैं। तो इसमें प्री टेम्पलेट यानी कि पड़ा हुआ कि हम इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, तो क्या होता कि हम सिंपली क्या करते हैं वो दो तीन रिएक्टर हमें कंबाइन नहीं करना पड़ता, इसने ऑटोमेटिकली कंबाइन करके इसमें रखे। तो ये तकरीबन वो क्या है डेफिनेशन वगैरह रिएक्टर्स वगैरह के, कब कौन से यूज करना है डिटेल में, यानी कि जब एक एक करेंगे तो सारा बताते हैं। अच्छा आज जो है वो स्ट्राइको यानी कि कन्वर्जन रिएक्शन पर हमने, कन्वर्जन यानी कि अगर हमें हमारे पास कन्वर्जन है रिएक्शन की, कौन सा कंपोनेंट कितना कन्वर्ट हो रहा है, अगर हमें हमारे पास उस चीज की डिटेल है ना, तो हम ये स्ट्राइको वाला रिएक्शन यानी कि रिएक्टर यूज करेंगे, और इसमें कन्वर्जन वाला ये वाला रिएक्टर यूज करेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम देख सकते हैं हमें, हमारे पास कन्वर्जन है ठीक ना रिएक्शन की, ये है प्रॉब्लम हमारी। ये थोड़ा मतलब एक ही करवाऊंगा ताकि ना मिक्सअप ना हो जाए, और थोड़ा डिटेल में थोड़ा बता देंगे ताकि सही समझ भी आ जाए कि फ्यूचर में कभी लगाना पड़ जाए तो कैसे यूज करने इसको। अच्छा प्रोसेस है कि इथाइलीन ग्लाइकोल इज प्रोड्यूस प्रोड्यूस बाय डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ इथाइलीन ऑक्साइड, ठीक है। डायरेक्शन प्रोसीड इन द लिक्विड फेस विदाउट कैटलिस्ट एट अ टेम्परेचर 200 इन एडिशन ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ इथाइलीन टू इथाइलीन ग्लाइकोल, आल्सो इट्स सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिकेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइलीन ग्लाइकोल और हाइल higher glycol can take place to prevent the subsequent reaction. The process is carried out with large excess of water. अच्छा और ये उसने रिएक्शन दे दी। अच्छा उसने ऊपर क्या बताया कि हम ना इथाइलीन ग्लाइकोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके किसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इथाइलीन ऑक्साइड की हाइड्रेशन से, यानी कि वाटर और इसका रिएक्शन हो रहा है, इथाइलीन ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन हो रहा है, तो ये इथाइलीन ग्लाइकोल प्रोड्यूस हो। उसने टेम्परेचर दे दिया, उसने कहा कि सब्सिक्वेंट हाइड्रोअल्कोलेशन यानी कि ना जब इथाइलीन अल्कोहल बनता है ना, इसके बाद एक और रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से क्या बनता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइलीन ग्लाइकोल, यानी कि ये बन जाता है या हायर ग्लाइकोल यानी कि डाई या तो ट्राई बन जाएगा, यानी कि ना हायर इथाइलीन ग्लाइकोल बन जाते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए ना, इस रिएक्शन को कि ये ना बने, हमें तो डिजायर्ड ये है, तो उसने कहा कि टू प्रिवेंट द सब्सिक्वेंट प्रोसेस इज कैरीड आउट विद अ लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर, कि हम जो वाटर है ना वो काफी ज्यादा यूज करते हैं ताकि ये जो है ना डाइथाइलीन ग्लाइकोल कम बने, और जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो ये है। जो रिएक्शन होता है रिएक्शन ये है, ये इथाइलीन ऑक्साइड है, इथाइलीन ऑक्साइड की हाइड्रेशन वाटर में ऐड, तो ये इथाइलीन ग्लाइकोल प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। ये बीच में बॉन्ड है टू के बाद, ये दोनों आपस में ज्वाइन है, ये एक कंपाउंड है। अच्छा कन्वर्जन ऑफ, अब उसने कन्वर्जन दे दी क्योंकि हमारे पास कन्वर्जन है, ठीक है ना, हम कन्वर्जन कर रहे हैं। उसने कहा कि जो इथाइलीन ऑक्साइड की कन्वर्जन है वो 95% है, यानी कि 95% ना कन्वर्ट हो गया जब रिएक्शन हुआ, तो ये 95% जितना हमने दिया था उसको कन्वर्ट हो गया इथाइलीन ग्लाइकोल में हाइड्रेशन के जरिए। उसके बाद जो दूसरा स्टेप था वो क्या था कि डाइथाइलीन ग्लाइकोल बन गया, कैसे बन गया, क्या ये है इथाइलीन ऑक्साइड, ठीक है ना, इथाइलीन ग्लाइकोल, इथाइलीन ग्लाइकोल फिर दोबारा से इथाइलीन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और ये डाई यानी कि दो अभी टू आ गया टू के साथ, ठीक है ना, तो ये क्या बन गया डाई इथाइलीन ग्लाइकोल बन गया। तो अब इसमें जो इसकी कन्वर्जन है वो 5% है, ठीक है ना। तो उसने यानी कि ये दो रिएक्शंस दे दिए कि ये बन रहे हैं, और ये उसने उनकी कन्वर्जन दे दी इथाइलीन ऑक्साइड के, ठीक है।
अब उसने कहा कि द मोल रेशियो ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड टू वाटर इज 1:12, यानी कि इथाइलिन ऑक्साइड टू वाटर की रेशियो है, यानी कि अगर हम 1 मोल इथाइलिन ऑक्साइड का लेंगे ना तो वाटर के 12 मोल लेंगे। वो लेने क्यों है, ताकि ना ये डाइथाइलिन ग्लाइकोल कम प्रोड्यूस हो, ठीक है ना। तो उसने बता दिया कि आप इस लिहाज से, इस रेशियो के लिहाज से ले लें, ठीक है ना। अब लिखा हुआ कि इथाइलिन ग्लाइकोल इथाइलिन ऑक्साइड एंड वाटर एंटर्स द रिएक्टर एट 25 डिग्री एंड 3 मेगापास्कल। जब इथाइलिन ऑक्साइड ऑक्साइड जब रिएक्टर के अंदर एंटर होता है ना, तो उस वक्त एंटरिंग के वक्त इसका टेम्परेचर 25 डिग्री है, और जो इसका प्रेशर है वो है 3 मेगापास्कल है, ठीक है। अब वो कहें कि रिएक्टर टेम्परेचर, जो रिएक्टर का टेम्परेचर है ये एंटरिंग के वक्त है, और जो रिएक्टर का टेम्परेचर है वो है 200 डिग्री, और उसका प्रेशर 3 मेगापास्कल है। अब उसने ये सारी हमें कंडीशन दे दी, बताया कि यूज S1+ टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना हमने कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट। अब ये जो रिएक्शन प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारी बनेगी ना, ये इथाइलिन ग्लाइकोल, इसकी हमने कंपोजिशन बताने की, ये कितनी प्रोड्यूस हुई है। उसने कन्वर्जन बता देंगे 95% कन्वर्ट, और ये रेशियो बता दें कि अगर आप 1 लेंगे इथाइलिन ऑक्साइड ऑफ वाटर के 12 लेंगे, तो बताएं कि ये प्रोडक्ट हमारी कितनी बनेगी, या डाई इथाइल बन रहा है तो कितना बन रहा है, पहला पार्ट ये है। फिर लिखा हुआ कि रिएक्टर रिएक्टर हीट ड्यूटी, रिएक्टर की हीट ड्यूटी बतानी है। अगर 100 मोल ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड इज प्रोड्यूस प्रोसेस्ड, यानी कि अगर हम 100 मोल किलो मोल पर आल अगर इथाइलिन ऑक्साइड के लें ना, तो रिएक्टर की हीट ड्यूटी बताने की, उसकी हीट ड्यूटी कितनी होगी, यानी कि हीट पावर कितनी चाहिए होगी उसके। तीसरा है कि हीट ऑफ रिएक्शन फॉर बोथ रिएक्शन, अब ये रिएक्शन है दोनों, इनका हीट ऑफ रिएक्शन बताना है। अगर रेफरेंस टेम्परेचर 25 डिग्री हो, और हम 25 पर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस टेम्परेचर 25 डिग्री हो, रेफरेंस प्रेशर इज, ये प्रेशर चेंज हो गया यहाँ, अगर वो कहा कि टेम्परेचर 25 डिग्री और प्रेशर ये हो, तो तब आपने बताने के हीट ऑफ रिएक्शन, इन ये जो रिएक्शन है इनके हीट ऑफ रिएक्शन बताने हैं, कि कितनी रिलीज कर रहे हैं या अब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या कि रेफरेंस फेज जो है वो लिक्विड ही है, यानी कि ये सारा प्रोसेस क्या है, लिक्विड के अंदर हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे सारे, तो S1+ में आएंगे प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में आएंगे इसके बाद, हमने ये कंपोनेंट्स को डिफाइन करना। अब इथाइलिन ग्लाइकोल है, अच्छा ये तीन ही कंपोनेंट थे, इथाइलिन ग्लाइक ऑक्साइड के।
अब ये इधर कंपोनेंट्स भी डिफाइन कर दिया, ठीक है ना, ये मेथड भी डिफाइन कर दिया, लेकिन अगर हम देखें ना, ये देखो इधर लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड इनपुट इनकम्प्लीट, क्योंकि अब प्रॉपर्टीज में तो दो ही चीजें एंटर करते हैं जो बेसिक होती हैं। अगर हमने कुछ और डिफाइन नहीं करना, कंपोनेंट्स और मेथड दोनों डिफाइन करते हैं, तो ये कैसे आ गया? असल में ना ये कभी कभी अपडेट नहीं करता, ये मेथड में ओपन करना है, तो क्या चीज अपडेट नहीं, पैरामीटर, पैरामीटर में बाइनरी इंटरेक्शन, तो इसको बस ओपन करके एक दफा ना ये सिलेक्ट कर लेगा ताकि ना ये अपडेट कर दे इसको। अभी तो इधर टिक आ गए सारे, और ये रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज इनपुट कंप्लीट हो गई, तो वो बस रिफ्रेश नहीं हो पाता, तो ये अच्छा। फिर सिमुलेशन में आ जाना, कंपोनेंट्स डिफाइन करते मेथड है। अब हमने ये मैं दोबारा से लगा दूं, रिएक्टर्स में जाना, ये वाला जो स्टाइको वाला होता है ये किस लिए यूज होता है? कन्वर्जन के लिए, ठीक है ना। जब हमें कन्वर्जन पता हो, तो अभी हमें क्या पता है? कन्वर्जन ही पता है, ठीक है, हमने इसको लगा दिया। मटेरियल स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, ये इनपुट आ जाएगी, ये आउटपुट आ जाएगी। अब यहाँ पर ना एक ये देखो, अगर हम देखें ना, तो लिखा हुआ कि इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि प्रोडक्ट तो बन रही है बाय द डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, यानी कि इथाइलिन ऑक्साइड की एक स्ट्रीम है और एक वाटर की स्ट्रीम है, ये दोनों एंटर हो रही है इस रिएक्टर के अंदर, रिएक्टर के अंदर, तब हमें प्रोडक्ट मिल रही है। तो क्या है कि हमारे पास स्ट्रीम्स कितनी है? दो है, तो अभी तो ये एक स्ट्रीम है, ये दूसरी कैसे एंटर करेंगे? जो रेड वाली होते हैं वो होते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम जितनी रिक्वायरमेंट होती है हमें जैसी प्रॉब्लम होती है उसके लिहाज से हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये ब्लू वाली पर जाएंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, ड्रैग कर लो ताकि थोड़ा दिखने में चला गया ऐसे, ठीक है ना। अब एक में क्या है? इथाइलिन ऑक्साइड है, ठीक है ना, ये नाम थोड़ा अच्छा रख दो ताकि आसानी रहे। ये इसमें इस स्ट्रीम में वाटर एंटर करेंगे, और ये हमारी क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी कि जो हमें मिलेगी, जो ये रिएक्टर है, कौन सा कन्वर्जन रिएक्टर है, तो बस शॉर्ट शॉर्ट लिख दो। अच्छा, अब हम इसको फीड को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो फीड की कंडीशंस क्या है? फीड की कंडीशंस दी थी उसने यहाँ पर, ये एथाइलीन ऑक्साइड और वाटर एंटर कितने पर कर रहे हैं? 25 डिग्री और 3 मेगापास्कल पर, ठीक है ना। तो 25 डिग्री और 3 है, लेकिन यूनिट क्या है? मेगापास्कल है, मेगापास्कल में चले गए। अब ये देखो, अभी हम ना ईओ यानी कि इथाइलिन ऑक्साइड को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? इथाइलिन ऑक्साइड हमें, तो मोल फ्रैक्शन अगर हम देखें ना, तो इस स्ट्रीम में क्या सिर्फ इथाइलिन ऑक्साइड है, तो उस यानी कि बाकी कंपोनेंट्स की वैल्यू 0 होगी, फ्रैक्शन 0 होगी, लेकिन इथाइलिन की 1 होगी टोटल। तो अब इनमें से जैसे अब ये देखो, अब देखना पड़ रहा है कि इथाइल 0 1 है कि इथाइल 0 2 है, या तो कितना कंफ्यूजन हो रही है, तो ना कंपोनेंट के नाम नहीं सही है। तो अपनी आसानी के लिए प्रॉपर्टीज में दोबारा से एक बार जाते हैं कंपोनेंट्स में। अब इधर तो लिखा हुआ है जैसे पूरा नाम, लेकिन उधर तो ये हमें आईडी नजर आती है ना, तो हम आईडी चेंज कर लेते हैं, हम इसका नाम ईजी अपने आसानी के लिए, ताकि ना पहचाने जाए, तो इसको खाली रीनेम करना है, ठीक है ना, ताकि बस नाम चेंज हो जाए, हाँ अपने आसानी के लिए, ये तो ऐसे पहचाना जाएगा। इसमें इसको इथाइलिन ऑक्साइड ईओ कर लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं, और डाई मिथाइल ग्लाइकोल अगर चेंज करना है तो डाई मिथाइल ग्लाइकोल ये कर लो, ठीक है ना। तो अब इनकी कंप्लेंट आईडी ये होगी, ये अपने आसानी के लिए, ताकि ना पहचाने जाए बार बार, देखना ना पड़े, कंफ्यूजन ना हो, गलत वैल्यूज ना एंटर हो जाए। तो नाम ये देखो, अभी इधर नाम आ गए ना, तो अब इस स्ट्रीम में क्या था कि इथालिन ऑक्साइड, ये देखो इथालिन ऑक्साइड आ गया ना, मोल फ्रैक्शन है ये 1, इसको एंटर कर दिया, कि टोटल बस यही है, बाकी क्या है? 0। तो 0 को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज़ है ये कि फ्लो बेसिस के कितना फ्लो आ रहा है इसका, इथालिन ऑक्साइड का। अगर हम इधर देखना, उसने फ्लो नहीं दिया हुआ, उसने क्या दिया था? रेशियो दी थी कि जितना आपने इथाइलिन ऑक्साइड लेना ना, मोल रेशो, ठीक है ना, जितना आपने इथाइलिन ऑक्साइड की वैल्यू लेनी है, तो उससे 12 गुना आपने वाटर की लेनी है, यानी कि 12 गुना वाटर ज्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके ना 100, जैसे 100 ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ठीक है इसके ना 100 है, तो ये हमारा डिफाइन हो गया, ठीक है ना। कौन सी स्ट्रीम डिफाइन हुई है? ये वाली इथाइलिन ऑक्साइड की, और वाटर की डिफाइन करनी है, वाटर के भी उसने टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है, सेम था 25 डिग्री और 3 मेगा पास्कल,
अब इसमें भी मोल फ्रैक्शन, और इस सिस्टम में क्या सिर्फ वाटर ही है, तो इसको वाटर यानी कि वन है टोटल रेशियो। अब इधर जो मोल मोलर फ्लो है ना वो कैसे डिफाइन करना है, उधर तो चलो हमने ज़ूम कर ले के इसको हम 100 ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको हमने 100 ले लिया। लेकिन अब इसकी कंडीशन थी ना कि अगर ये 1 है तो ये 12 होगा, अगर अब अगर हम अब हमने 1 लिया और 100 लिया तो 100 इंटू 12 यानी कि 1200 1200 हो जाएगा, यानी कि ये रेशियो हमने कंसिडर करनी है, ठीक है, ये भी डिफाइन हो गया। अब उसके बाद अब रिएक्टर की बारे में, ठीक है ना, अब रिएक्टर को डिफाइन करना, उसने रिएक्टर का टेम्परेचर वगैरह दिया हुआ था कि रिएक्टर का टेम्परेचर जो है 200 डिग्री और उसका प्रेशर सेम 3 मेगा पास कर लिया, तो टेम्परेचर 200 डिग्री और प्रेशर सेम ही 3 मेगा पास कर लिया, ठीक है। अब इसमें ना ये स्पेसिफिक इसमें डिफरेंट टैब्स हैं, तो ये है कि अब ये देखो, अब एक टैब तो डिफाइन हो गया, इस पर टिक आ गया, लेकिन अब ये जो दूसरा टैब है ना कि रिएक्शन बताओ, उसने कहा कि हमें कंडीशंस तो बता दी आपने कि इस कंडीशन पर हमारा क्या है रिएक्टर है, लेकिन अब इसमें रिएक्शन भी तो हो रहा है ना, जाहिर सी बात है रिएक्टर है उसमें रिएक्शन होगा, तो अब रिएक्शन का ये देखो अलग सा टैब है, उसको इनपुट रिक्वायर्ड है उसको डाटा, ठीक है ना, इसमें रिएक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि रिएक्शन डिफाइन करो कि इसमें रिएक्शन हो कौन सा रहा, और इसमें रिएक्शन कौन सा डिफाइन, ये उसने पहले से टैब बनाया कि फ्रैक्शनल कन्वर्जन, फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ कंपोनेंट वगैरह, ये इसलिए है क्यों, इसलिए उसने ये वाली ऑप्शन दिए हैं, क्यों, क्योंकि हमने रिएक्टर कौन सा किया हुआ है, ये वाला कन्वर्जन वाला, तो इसी वजह से उसने कन्वर्जन के लिहाज से वो रिएक्शन इसमें डिफाइन कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम या यील्ड के लिहाज से नहीं डिफाइन कर सकते। तो इधर ये हमने रिएक्शन में न्यू में जाना, ठीक है, ये रिएक्शन का नाम है, पहला रिएक्शन है, तो पहला रिएक्शन क्या हमारा इथाइलिन ऑक्साइड और वाटर की है, यानी कि हाइड्रेशन है, तो क्या है इथाइलिन ऑक्साइड है वाटर है, तो बना क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल बना रहे हैं, ठीक है ना, इनको बैलेंस कर लेंगे। अब इसके भी एक मोल है, इसका भी एक मोल है, इसका भी एक मोल प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे करेंगे, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो इसका एक मोल क्या होगा कंज्यूम होगा, और इसका भी एक मोल कंज्यूम होगा, ये तो कंज्यूम जब होगा तो नेगेटिव आएगा, अगर प्रोड्यूस होगा तो पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अभी भी ना ये डिफाइन नहीं है, देखो इधर रेड है और ये रेड है, यानी कि रिएक्शन तो हमने बता दिया, लेकिन वो कह रहा है कि कुछ और भी चाहिए, फ्रैक्शनल कन्वर्जन बताओ कि कन्वर्जन कितनी हो रही है और किस कंपोनेंट की हो रही है, ठीक है, हमें कन्वर्जन कितनी मिली है, इथाइलिन ऑक्साइड की कन्वर्जन हो रही है 95% हो रही है, ठीक है ना, इथाइलिन ऑक्साइड की कन्वर्जन है और कितनी हो रही है 95% परसेंट में, तो इधर हमने फ्रैक्शन फ्रैक्शन में लिखनी है ना वैल्यू, तो 0.95 इस तरह से लिखेंगे, यानी कि 0 से 1 के दरमियान लिखेंगे। अब ये देखो इधर टिक आ गया कि ये पहला आपका रिएक्शन डिफाइन है, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। इधर ये रिएक्शन आ गया, ये देखो लिखा हुआ है कि इथाइलिन ऑक्साइड और वाटर है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल बन रहा है, ठीक है, एक ये रिएक्शन इसके अंदर हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, इस रिएक्टर के अंदर हो रहा है, लेकिन एक और रिएक्शन हो रहा है, क्या था कि जैसे ये बनता है ना इथाइलिन ग्लाइकोल, तो वो दोबारा इसके साथ इथाइलिन ऑक्साइड के साथ मिलता है इधर, ठीक है ना, तो वो डाई इथाइलिन ग्लाइकोल बना लेता है, तो एक ये वाला रिएक्शन भी हो रहा है, तो हमें ये भी डिफाइन करना पड़ेगा, जो जो रिएक्शन होते हैं जिस रिएक्टर के अंदर हमें डिफाइन करना, तो क्या था कि इथाइलिन ग्लाइकोल जब बन रहा है वो दोबारा से इथाइलिन ऑक्साइड के साथ मिल रहा है और वो डाई इथाइलिन ग्लाइकोल बना रहा है, ठीक है ना, इनके कोफिशिएंट भी 1:1 है, ये देखो इसका भी एक मोल यूज हो रहा है, इसका भी एक मोल यूज हो रहा है और इसका एक मोल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो अगर यूज हो रहा तो नेगेटिव के साथ है, प्रोड्यूस हो रहा तो पॉजिटिव के साथ है। अब इधर भी हमें बताने के किस कंपोनेंट की कितनी कन्वर्जन है, तो इधर है कि इथाइलिन ऑक्साइड की इस बार 5% कन्वर्जन है, ठीक है, तो इथाइलिन ऑक्साइड या लेकिन उसकी कन्वर्जन है 5% यानी कि 0.05, ठीक है ना, जी आ गया, ये रिएक्शन डिफाइन हो गए। अब ये वाला टैब यानी कि रिएक्शन का भी डिफाइन हो गया, ये भी डिफाइन हो गया, और इधर भी ब्लॉक हमारा टिक आ गया ब्लू, ये हमारा ब्लॉक भी डिफाइन हो गया, ठीक है, यानी कि सारी चीजें डिफाइन है। अब लिखा हुआ कि इधर भी लिखा गया कि रिक्वायर्ड इनपुट कंप्लीट है, यानी कि जब रिक्वायर्ड इनपुट कंप्लीट हो जाती है, हमारी फ्लो शीट कंप्लीट हो गई है, तो अब किसका इंतजार है, बस रन करना होता है, होम टाइम में जाना है, ये रन का होता है, स्टेप बाय स्टेप रन करने का, रन करना है, तो डायरेक्ट रन कर देंगे, तो ये लो फिर ये अब हमने रन कर दिया,
कि अब हमें इस ये डायरेक्शन जोड़ रहे हैं, ये फीड की स्ट्रीम्स थी, तो हमें बताओ कि प्रोडक्ट वगैरह क्या बनी है या क्या उसकी कंपोजिशंस वगैरह, ठीक है ना। इधर आ रहे प्रोसेसिंग इनपुट जनरेटिंग रिजल्ट, और अभी रिजल्ट अवेलेबल आ जाएगा। ये आगे रिजल्ट्स देखने के दो तीन तरीके हैं, या तो डायरेक्ट इधर से देख लो, मॉडल समरी से देख लो, स्ट्रीम से, यानी कि समरी वाले टाइम में किसी भी ऑप्शन से देख लो, ये डिफरेंट डिफरेंट आपको बता देगा। तो अभी हम स्ट्रीम्स की देखेंगे समरी, यानी कि स्ट्रीम्स की, यानी कि स्ट्रीम की समरी में ये होता है, एक मिनट, कि वो स्ट्रीम्स का डाटा बताता है इसके, यानी कि इनपुट स्ट्रीम है ये, ठीक है ना, इनका डाटा बताएगा और आउटपुट स्ट्रीम का इसका नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रीम की समरी, तो इसको क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि पहला यही था कि कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट की स्ट्रीम में जो कंपोजिशन है ना वो बतानी है, तो इसलिए हम स्ट्रीम्स की देख रहे हैं रिजल्ट्स, ठीक है ना। तो ये देखो, अब ये वाले जो, ये वाला जो कॉलम है ये इथाइलिन ऑक्साइड का, इसका ये वाला जो कॉलम है प्रोडक्ट का, तो हम ना थोड़ा सीक्वेंस में कर लेते हैं कि इसको ना ये टोटल मैंने कहा कि वाटर के शुरू में फीड आ जाए, और इधर से हम कर लेते हैं कि एंड पर ना प्रोडक्ट, ताकि हम दिखने में थोड़ी आसानी हो या रीडिंग में ना थोड़ी आसानी हो। अच्छा भाई, ये देख लेते हैं कि जो जो चीज़ें ये कि लिक्विड, तीनों लिक्विड फेज में है, मतलब सारा डाटा इधर अवेलेबल होता है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या, कंपोजिशन हमने बतानी है कि प्रोडक्ट के इसके अंदर ना कंपोजिशन बतानी है। तो किससे बताएंगे, मोल फ्रैक्शन से बता दो या मास फ्रैक्शन से बता दो, क्योंकि हमने चीज़ें डिफाइन मोल में की हैं, तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू देख लेते हैं। अब ये देखो, अब इसको पढ़ना कैसे है, यह कि इथाइलिन ऑक्साइड के हमने, अच्छा मोल फ्लो भी है, फ्लो से देख लेते हैं, यानी कि मोल की दोनों चीजों से देख लेते हैं। यहाँ से थोड़ा आसानी होगा, क्योंकि हमने ये वैल्यू फ्लो एंटर किया था कि हमने 100 किलो मोल पर इथाइलिन ऑक्साइड के एंटर किए थे, 1200 किसके वाटर के एंटर किए थे, तो प्रोडक्ट कितनी आएगी, यानी कि मैस मैस बैलेंस है, ठीक है ना हमारे पास, यानी कि जो प्रोडक्ट बने ना वो भी कितना बना है, 1200 ही बने, यानी कि 1300 ही बने, वो 1200 बनी है। तो 1200 कैसे बनी है, अब ये शुरू में क्या था कि इथाइलिन ग्लाइकोल डाइथाइलिन और वाटर जो इसके अंदर थे ना वो जीरो था, इसके अंदर क्या था, टोटल इथाइलिन ऑक्साइड था इसके अंदर, ठीक है ना, और वाटर के अंदर सिर्फ वाटर था। अब इन दोनों का रिएक्शन हुआ, रिएक्शन वो रिएक्टर के अंदर डिफाइन किया, तो रिएक्टर के बाद क्या हुआ, हमारे पास 90 किलोमोल पर आर इथाइलिन ग्लाइकोल बना, और 5 जो है ना 5 किलोमोल पर आर डाइथाइलिन ग्लाइकोल बना, ठीक है। जो हमारे पास रिमेनिंग रह गया वाटर, वो इतना वाटर, यानी कि हमने इतना एंटर किया, वो इतना वाटर दोबारा से प्रोडक्ट के अंदर आ गया, जो इथाइलिन ऑक्साइड है वो बिल्कुल जीरो है, वो नहीं आया प्रोडक्ट के अंदर। तो ये कंपोजिशन है इस तरह से। तो कंपोजिशन अगर फ्लो में पूछा, फ्लो में बता दो, ज्यादातर ये फ्रैक्शन में पूछी होती है कि कितने फ्रैक्शन, अगर हमने एक इसका मोल लिया, एक इसका मोल लिया, तो बताओ कि इसके कितने मोल बने, तो इसके 0.075 मोल बने डाइथाइलिन के, इतने मोल, और वाटर के दोबारा से इतने आ गए हमारे पास, ठीक है ना। तो ये था ए पार्ट कि कंपोजिशन बतानी है रिएक्शन प्रोडक्ट के, रिएक्शन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आई हैं। उसके बाद है कि रिएक्टर हीट ड्यूटी, हीट ड्यूटी बतानी थी कि क्या अगर हम 100 किलो मोल पर आर इथाइलिन ऑक्साइड लें, तो हमने क्या किया था, 100 किलो मोल ही लिए थे, ठीक है ना। ये देखो, इथाइलिन ऑक्साइड के 100 किलो मोल ही लिए थे हमने, तो हम इसकी हीट ड्यूटी बता देते हैं। ये हीट ड्यूटी है, हीट ड्यूटी कैसे देखते हैं, इधर आ जाओ, मॉडल समरी, मॉडल समरी में होता कि वो इसका, पहले हमने स्ट्रीम्स का देखा कि स्ट्रीम्स का डाटा क्या आया, मॉडल समरी में, मॉडल समरी में होता कि जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना उनकी समरी होती है। तो मॉडल समरी को ओपन किया, अब ये मॉडल का रिजल्ट दे दिया कि इसके अंदर टेम्परेचर प्रेशर क्या था, ये हमने डिफाइन किया, और जो जो चीज़ें हम डिफाइन करते हैं वो ब्लू में होती हैं, जो वो डिफाइन करते हैं वो ब्लैक में होती हैं। हमने हीट ड्यूटी बतानी थी, तो इसकी हीट ड्यूटी है, ये है नेट हीट ड्यूटी, ठीक है ना, ये है नेट, ये कैलोरीज पर सेकंड में है, तो थोड़ी ज्यादा वैल्यू लग रही है, अगर एक किलो जोल पर आवर में होती तो थोड़ी मतलब 90 ऐसा कुछ होती, तो बस यूनिट कन्वर्ट कर लेना, ये इसकी वैल्यू है कि नेट हीट ड्यूटी जो उसको चाहिए ना वो इतनी है। उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि 100 के लिए लेना है, तो हमने शुरू में ही 100 के लिए लिया था, ठीक है ना, अज्यूम ही किया था, तो ये हमें मतलब दोबारा से रन करने की जरूरत नहीं है। तीसरा पार्ट है कि हीट ऑफ रिएक्शन फॉर बोथ रिएक्शंस, अब ये था इन रिएक्शंस की ना हीट ऑफ रिएक्शन बतानी थी, इफ द टेम्परेचर इज 25 डिग्री और ये प्रेशर था,
अच्छे इधर आते हैं ब्लॉक्स में, ये ब्लॉक हमने लगाया था, इसका रिजल्ट ओपन करते हैं। इसके ब्लॉक अगर ये देखो, अगर मैं देखो ना तो ब्लॉक कितने लगे हुए, एक ही ब्लॉक लगा हुआ है। ब्लॉक का नाम क्या, कन्वर्जन, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये कोई ब्लॉक का नाम आ गया। ये अगर मैं देखो, ये ब्लॉक कितने, एक ब्लॉक है कन्वर्जन, उसका ब्लॉक का नाम है, ठीक है ना। उसके बाद या तो उसके स्ट्रीम्स के रिजल्ट देख लो, हमने वो देख लिया, यानी कि दो तीन तरीके हैं रिजल्ट देखने के। तो अगर हमने ना इसका स्पेसिफिक इसका रिजल्ट देखना, तो हम इसका रिजल्ट में आएंगे, ठीक है ना। अब हमने क्या देखना था, रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शंस देखने थे कि हीट ऑफ रिएक्शंस कितने हैं। अब रिएक्शन रिएक्टर के अंदर ही हो रहे हैं ना, तो ये देखो, ये तो समरी देख लो, बैलेंस फेज के, लेकिन हमारे किस कंसिडर रिएक्शन से, रिएक्शन में जाएंगे। अब ये देखो, हीट ऑफ रिएक्शन की ना यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए थी रेफरेंस कंपोनेंट के इनके लिहाज से, लेकिन ना वैल्यू नहीं दी इसने। अच्छा, अब इसने वैल्यू क्यों नहीं दी, क्योंकि हमने ना चीजें डिफाइन नहीं की। क्या डिफाइन नहीं किया हमने, फॉर बोथ रिएक्शन इफ द रेफरेंस टेम्परेचर, क्योंकि हमने रेफरेंस टेम्परेचर फॉर प्रेशर अलग से डिफाइन ही नहीं किया। तो अच्छा, दोबारा से हम किस में आएंगे, ब्लॉक के अंदर आएंगे, ठीक ना। अब ये देखो, ये हीट ऑफ रिएक्शन का टाइप था, क्योंकि हमें ये एक्स्ट्रा चीज चाहिए थी ना, जो चीजें वो खुद से डिफाइन कर देगा, यानी कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी इसके लिए, रिएक्टर को डिफाइन करने के लिए, स्पेसिफिकेशन और रिएक्टर रिएक्शन बताओ, ठीक है ना। अब बाकी जितनी भी चीजें हमें एक्स्ट्रा चाहिए ना, वो हमें खुद से डिफाइन करनी पड़ेंगी, अगर हमें चाहिए रिक्वायरमेंट है तो। हीट ऑफ रिएक्शन हमारी रिक्वायरमेंट है, हम इसके टैब में आएंगे हीट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है ना। इधर ये देखो लिखा हुआ है कि डू नॉट रिपोर्ट कैलकुलेटेड हीट, के रिपोर्ट नहीं करनी, यानी कि रिजल्ट नहीं शो कराने। अगर हम कहेंगे रिजल्ट शो करा, रिपोर्ट कैलकुलेटेड, तो वो चीजें मांगेगा कि बताओ रेफरेंस टेम्परेचर कितना है, रेफरेंस कंपोनेंट कौन सा, और प्रेशर कितना है, ठीक है। तो अच्छा बताते हैं कि क्या क्या, प्रेशर टेम्परेचर था 25 डिग्री था, जो प्रेशर है वो है 101325, जो हमारे पास फेज है ना, वो लिक्विड लिक्विड फेज में सारा काम हो रहा है, ठीक है ना। देखो फेज इज लिक्विड, ठीक हो गया, फॉर बोथ। अच्छा, उसने ने लिखा कि फॉर बोथ रिएक्शंस, ये देखो, अब जो रेफरेंस कंपोनेंट है, यानी कि जो कन्वर्ट हो रहा है, वो कौन सा था, हमने अगर मैं रिएक्शन में दिखाऊं, ये देखो इथाइलीन ऑक्साइड ही कन्वर्ट हो रहा था ना, उसकी फ्रैक्शन थी। तो इधर हम रेफरेंस किसके लिहाज से हमने हीट ऑफ रिएक्शन बतानी है, तो इथाइलीन ऑक्साइड के लिहाज से, किसी और के लिहाज कंपोनेंट के लिहाज से देखने, वो उसके लिहाज से देख लो इसको, ये वेपर में कर लेंगे, प्रेशर सेम है, ठीक है ना। इधर रिएक्शन का नंबर, ये कौन से रिएक्शन के लिए, दोनों रिएक्शन के हमें चाहिए, तो रिएक्शन का नाम क्या था, वन और टू है नाम इसका, तो इसका नाम वन और इसका नाम क्या, टू। अब ये देखो, ये डिफाइन हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब जब ये आते हैं ना, ये येलो से ब्लॉक, इसका मतलब होता है कि ना इनपुट ना चेंज हो गई है। ये देखो, अगर नीचे भी देखें ना कि इनपुट चेंज हो गई है, इनपुट चेंज हो गया तो जो रिजल्ट्स होते हैं ना, रिजल्ट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये रिजल्ट्स वैलिड नहीं होते। क्यों वैलिड नहीं होते, क्योंकि हमने इनपुट ही चेंज कर दी। अब यानी कि इसका मतलब क्या कि हम दोबारा से रन करेंगे, तो इसको हम दोबारा से, अगर मैं थोड़ा सा ये भी दिखा दूँ, इसके रिजल्ट्स में जाते हैं, इसके रिएक्शन में आते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, हमारे पास नहीं ना थे, लेकिन अब हमने इनपुट चेंज कर दिया, तो अब हम रन करते हैं, यानी कि हमने वो हीट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर दिया। अब ये देखो, इनकी ना वैल्यूज आ गई हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन की, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज थी, तो हमें एक्स्ट्रा तौर पर डिफाइन भी करना पड़ा। इसके थोड़े यूनिट इसमें रख लो, तो इतने हीट ऑफ रिएक्शन, यानी कि नेगेटिव में तो, यानी कि रिलीज हो रही है हीट, ठीक है ना, पहले रिएक्शन के लिए, और जब इथाइलिन ऑक्साइड से इसमें जाएगा दूसरे रिएक्शन के लिए, इतनी 94848 और 98089, तो तकरीबन आसपास ही हैं दोनों, तो ये इसकी वैल्यूज आ गई। तो इसका ये तीसरा पार्ट भी किया कि हीट ऑफ रिएक्शन बताना था, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज थी, ये खुद ऑटोमेटिक नहीं आनी थी, तो हमने खुद से डिफाइन किया इसको, और ये हमारे इसका रिजल्ट की वैल्यू आ गई है। अच्छा, ये चीज थी, इसमें एक और चीज बतानी है 2 मिनट मीटिंग में, तो ये है कि इसमें ना हम, अब जैसे कि ना उसने एक रेशियो दी हुई थी, अगर मैं, ये ना हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, पूरा हो गया। एक एक्स्ट्रा चीज वैसे ही बतानी थी कि इसने ना यहाँ पर ये रेशियो दी हुई थी कि यानी कि ना उसने हमें फ्लो रेट वगैरह की वैल्यू नहीं दी, उसने हमें वैसे रेशियो दे दी कि
मतलब मैं एक इक्वेशन के तौर पर के कोई भी इक्वेशन दे दिया, ये ना उसने रिलेशन दे दिया हमें कि इनके दरमियान ना मोल मोल फ्लो के दरमियान ना ये रिलेशन है 1:12 का। तो अगर हमें कोई भी रिलेशन वगैरह दिया हो ना, तो हमें तो चलो इधर ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, तो हमने क्या किया कि इधर इसकी वैल्यू 100 रख दी, ठीक है ना। तो हमें रिलेशन सिंपल था चूंकि, तो हमें पता लग गया कि अगर उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 वाटर के रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वो क्या कहते हैं रिलेशन हो, या हमें दो तीन रिलेशंस दी हूँ कि अगर इसका मोल फ्लो इतना होगा तो इसका मोल फ्लो इतना होगा, अगर इसका टेम्परेचर इतना होगा इसका टेम्परेचर इतना होगा, अगर रिएक्टर का टेम्परेचर इतना होगा तो इसका टेम्परेचर कम होगा, या इसका प्रेशर इतना है तो इसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए, मतलब ना कुछ भी रिलेशन मिल सकता था हमें। तो अभी तो ये सिंपल रिलेशन मिला था, तो मैं बताता हूँ कि इसको ना इसको कैसे करते हैं, टैकल करते हैं इस केस वन के अंदर, कि अब हम हर चीज तो नहीं ना हम खुद से हाथों से करना बैठते हैं कि अच्छा इसको 100 था इसको 200 कर लिया, अच्छा इसका ये था तो इसका टेम्परेचर भी इतना होगा, खुद से कैलकुलेशन मतलब टाइम लगे था, अगर कॉम्प्लेक्स चीज है तो एस्पन के अंदर खुद से कैसे करेंगे। तो ये दोबारा मीटिंग ज्वाइन करना, मैं बताता हूँ कि कैसे इसको करते हैं एस्पन पे डिफाइन। लिंक न्यू बनाऊंगा, ये इस लिंक से नहीं ज्वाइन होगा, असल में थोड़ा मसला पड़ा हुआ है जूम का।